आज तेलंगाना के लोकल मीडिया में एक अलग प्रकार की एक न्यूज़ चली है कि राजा सिंह बीआरएस जो लोकल पार्टी है उस पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं बोलकर ऐसा लोकल चैनल में न्यूज़ चली। वो न्यूज़ चलने का कारण यह है कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है हरीश राव जी, उनसे मैं मुलाकात किया था क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्लम एरिया है, वहां पर एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने के लिए उनसे मैं कई वर्षों से रिक्वेस्ट कर रहा था, मैसेजेस कर रहा था, तो उन्होंने सही प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं दिया और इस इश्यू को मैंने असेंबली में विधानसभा में भी रेस किया था। तो उसी इश्यू में उन्होंने आज मुझे बुलाया था कि आपका हॉस्पिटल का जो इश्यू है आ जाइए हम लोग बैठेंगे। तो आज उनका अच्छा सा रिस्पॉन्स आया और बहुत ही जल्द उस हॉस्पिटल का जो इस्टीमेशन है और सैंक्शन भी हम देंगे इस्टीमेशन कराकर, उन्होंने ये वादा किया। तो वहां पर लोकल मीडिया थी, लोकल पब्लिक थी, उन्होंने समझा कि राजा सिंह बीआरएस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए हरीश राव मिनिस्टर से मिल रहा है। तो मैं उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाई बंधुओं को एवं जनता को कहना चाहूंगा कि मेरे रग रग में, मेरी खून की हर बूंद में भगवा है और बीजेपी है। बीजेपी को मैं मरते दम तक छोड़ नहीं सकता क्योंकि मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी आज भारत का एक नया निर्माण कर रहे हैं। 2014 से पहले के भारत को देखिए और 2014 के बाद का भारत देखिए, बहुत अच्छा विकास है। और इतनी अच्छी पार्टी को छोड़कर मैं दूसरी पार्टी में जा नहीं सकता। हाँ, अगर मेरे ऊपर से अगर सस्पेंशन नहीं हटता है तो कुछ वर्षों तक मैं पार्टी को, राजनीति को बाजू रखकर हिंदू राष्ट्र के लिए मैं कार्य करने के लिए आगे बढ़ूंगा, लेकिन बीजेपी छोड़कर मैं दूसरी पार्टी नहीं जाऊंगा।